आज हम लोग देखेंगे रेनबो के बारे में, थोड़ा थोड़ा सा देखते देखते क्या करेंगे आगे की ओर पार होते हैं, ठीक है ना। रेनबो आपने देखा होगा, कुछ कंडीशन पे हमको क्या होती है रेनबो अपीयर होती है, नहीं तो जिंदगी भर रेनबो नहीं दिखाई देगा। तो हम आज जानेंगे कि रेनबो हमको क्यों दिखाई देता है और क्यों नहीं दिखाई देता है, समझ में आ गया। और ये रेनबो जो होता है बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक रेनबो को हम लोग क्या कहते हैं प्राइमरी रेनबो, और दूसरे वालों को क्या कहते हैं सेकेंडरी रेनबो कहते हैं। आपको पता होगा जो हमारा एटमॉस्फेयर है, क्या है एटमॉस्फेयर है, उसमें आपकी वाटर्स की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती है, क्लियर। जब उस ड्रॉपलेट से सनरे क्या होती है एक पार्टिकुलर एंगल पे उसमें स्ट्राइक करती है, यानी कि उसमें रिफ्रैक्शन करती है, तब हमको क्या दिखाई देता है रेनबो दिखाई देता है। अपने प्रिज्म के बारे में देखा था कि प्रिज्म में हमने सात मतलब व्हाइट रे को क्या किया था फोल्ड कराया था, तो वो सात रंगीन पट्टी हमको मिला था, मिला था या नहीं मिला था। तो रेनबो में भी क्या है वही तो है, सात रंगीन पट्टी, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं रेनबो कहते हैं, जो आपका कर्व आकार का दिखाई देता है। तो इसके बारे में कुछ समझते हैं हम लोग, क्लियर। चलिए देखते हैं, सपोज दैट हमारे पास में क्या है, पहले तो हम लिख लेंगे प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो, रेनबो का मतलब इंद्रधनुष कहा जाता है, इसे हम लोग की बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं इंद्रधनुष। क्या होती है वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, चलिए ये हमारा क्या है वाटर की ड्रॉपलेट है, क्लियर। इतना बड़ा नहीं होता है लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं अज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं कि ड्रॉपलेट हमारा ऐसा ही तो होता है स्फीयर में, होता है या नहीं होता है, चाहे वो छोटा सा भी क्यों ना हो, लेकिन ये फिलहाल हमारे लिए क्या है ये पानी का बूंद है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, क्लियर हो गई बात। अब इस वाटर ड्रॉपलेट्स में क्या पड़ता है, इस डायरेक्शन से हमारा व्हाइट लाइट पड़ता है, ये क्या है हमारा व्हाइट लाइट, यानी कि जो सूर्य से जो किरणें आती है वही किरण है व्हाइट लाइट, आप चाहे तो सनलाइट भी आप लिख सकते हैं। ये हमारा अब क्या हो गया रेरर मीडियम, ये क्या हो गया डेंसर मीडियम। जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में प्रकाश की किरणें क्या होती है इंटर करती है, तो उसका जो पाथ है वो क्या होता है बेंड होता है या नहीं होता है, समझ में आ रहा है। तो बेंड होता है उसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे क्या, तो ये इस डायरेक्शन पे क्या हो जाएगा बेंड हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, होगा। जब व्हाइट लाइट हमारा प्रिज्म सामने गुजारा था तो वो सात रंग में विभक्त हुआ था, मतलब व्हाइट लाइट हमारा कितना रंगों का कंटेन करता है, सात रंगों का कंटेन करता है। तो इसका मतलब यहां से हर एक प्रकार का आपका लाइट क्या होगा बेंड होगा अपने वेवलेंथ के अनुसार, होगा या नहीं होगा। सात कलर है तो सातों का क्या होगा हमारा डेविएशन एंगल अलग अलग होती है, सबसे कम लाल का होता है और सबसे ज्यादा वायलेट का होता है, क्लियर हो रही है बात। अब जब ये इस सरफेस से क्या होगा टकराएगा, ये क्या है हमारा रिफ्रेक्टेड रे, ये हम यहाँ पे दो दिखा रहे हैं, वैसे तो हमको सात दिखाना था लेकिन हम फिलहाल क्या दिखा दे रहे हैं दो ही दिखा दे रहे हैं, क्लियर। जब यहां से ये टकराएगा तब ये और हमारा क्या यहाँ पे आएगा, क्या हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, होगा या नहीं होगा। और ये वाला भी क्या होगा इसी डायरेक्शन पे आगे की ओर और आएगा, क्या बात समझ में आया। अब फिर से ये क्या करेगा डेंसर से रेरर में आएगा, आएगा या नहीं आएगा, अगर आएगा तो इसका पाथ भी क्या होगा बेंड होगा बेंड। तो चलिए इसका पाथ भी क्या हो गया यहाँ पे थोड़ा सा बेंड हुआ, क्लियर। और इसका पाथ भी यहाँ पे क्या हो गया बेंड हो गया, इस तरह से क्या हो गया बेंड हो गया, क्या बात समझ में आई। अब ये दोनों को आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, देख रहे हैं आप। अब बताइए कि इसका एंगल क्या क्या होगा, समझिएगा पॉइंट को, ये एंगल आपका क्या होना चाहिए 40 डिग्री और ये एंगल कितना होना चाहिए 42 डिग्री, तब भी आपको रेनबो दिखाई देगा, अदरवाइज जिंदगी भर रेनबो नहीं दिखाई देगा। और कभी कभार ऐसा को इंसिडेंट होता है कि इस एंगल से हमारा जो प्रकाश की किरणें है वाटर ड्रॉपलेट से इस एंगल पे क्या होती है इमर्ज होती है,
और इस एंगल से इमेज होगी तभी हमको क्या दिखाई देगा, रेनबो दिखाई देगा। समझ में आ गया? और रेनबो कहां पे दिखाई देगा हमको, चलिए दिखा देते हैं आपको कहां पे दिखाई देगा। इसको आगे आप बैक प्रेस कर दीजिए इस तरह से, इधर इसको भी आप इस तरह से क्या कर दे, बैक प्रेस कर दीजिए। देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, रेनबो दिखाई देगा, यहाँ पे आपका सुंदर सा आंख रहेगा। ये सुंदर आंख मेरा से बनता नहीं, समझ पा रहे हैं? और वहां पे क्या दिखाई देता है आपको, रेनबो दिखाई देता है। कंडीशन क्या था कि आपको एक एंगल क्या होना चाहिए, 40 डिग्री और एक सेकंड 42 डिग्री। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाते हैं कि ये वाला आपका कौन सा कलर होगा, रेड। क्या कलर होगा, रेड कलर, जबकि ये कलर क्या होगा, वायलेट कलर होगा। समझ पा रहे हैं? तो अब ध्यान से देखिए, ये वाला रेड हमारा यहां से आया फिर यहां आया, देख रहे हैं आप? तो ये आपका क्या है, रेड, यानी कि रेड का कितना डिग्री का एंगल बनना चाहिए, 42 डिग्री का, जबकि वायलेट का कितना बनना चाहिए, 40 डिग्री का, तब भी आपको क्या दिखाई देगा, रेनबो दिखाई देगा, अदरवाइज आप रेनबो नहीं देख पाएंगे। क्या मेरा बात समझ में आया? Yes. समझ पाई? चलिए, यहाँ पे इसीलिए सबसे ऊपर में आपको क्या दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है, और इधर क्या दिखाई देता है, और इस प्रकार का रेनबो हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी रेनबो कहा जाता है। समझ में आया? ये हमेशा याद रखिएगा, इट इज फिक्स्ड, ये क्या होता है, फिक्स्ड है, इसका इधर उधर हुआ तो आपको रेनबो नहीं दिखाई देगा, याद रखेंगे। इसीलिए कभी कभार पानी जब धुंधला होता है ना तो हमको रेनबो दिखाई देता है, नहीं तो दूसरा दिन धुंधला किया तो हमको रेनबो दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे ये हमारा एंगल नहीं बन पाता है। समझ में आया? जब ये एंगल बनेगा तभी क्या होगा, पॉसिबल होगा, कौन, रेनबो। समझ में आया? सब में क्या घटनाएं घटती है, TIR का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ पाई? ये कैसा रेनबो है हमारा, प्राइमरी। बना सबका फिगर? बना ली? चलिए देखते हैं हम सेकेंडरी रेनबो के बारे में। किसके बारे में? सेकेंडरी रेनबो। ये कैसे बनता है उसको भी समझते हैं। वाटर का ड्रॉपलेट है ये भी। समझ में आया क्या है, वाटर का ड्रॉपलेट। समझिएगा इस पॉइंट को, आपने देखा था इसमें व्हाइट लाइट हमारा ऊपर की ओर इंसिडेंट हुआ था, और सेकेंडरी रेनबो में जो व्हाइट लाइट होता है उसका निचला भाग में क्या होता है, इंसिडेंट होता है। किधर? निचला भाग में इंसिडेंट होता है, इधर। इधर से आप क्या कराएंगे, व्हाइट लाइट को, ये हमारा क्या है, व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट इंसिडेंट होगा। अब जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रकाश की किरणें घुसेगी तो इसका पाथ फिर से क्या होने वाला है, बेंड होने वाला है। होगा या नहीं होगा? होगा। मतलब सबसे कम बेंड कौन होता है, बोलिए, रेड, और सबसे ज्यादा। क्लियर?
अब यहां से फिर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, होगा या नहीं होगा? होगा। तो ये वाला यहां आएगा और ये वाला यहां पे आएगा। समझ पाई होगी बात को? क्लियर। अब ध्यान से देखिए कि यहां पे हमारा रेड कौन है और कौन हमारा वायलेट है, बताइए। ये वाला रेड है और ये वाला वायलेट है। आप चाहें तो ब्लू भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, हाँ नीला सबसे कम, सबसे ज्यादा हम नीला, तो मतलब सबसे निचला भाग में हमको वायलेट मिलता है, इसलिए आप क्या बोल रहे हैं, भी बोल रहे हैं। अब चाहे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको सातों रंग वहां पे दिखाई नहीं देता है। देता है रेनबो में नहीं दिखाई देता है, केवल ब्लू तक ही दिखाई देता है। यहाँ तक ब्लू तक ही दिखाई देता है, और बाकी जितना कलर आता है उसका डेविएशन एंगल इतना ज्यादा हो जाता है कि वो हम लोग आंख में दिखाई ही नहीं देता है। समझ में आई बात? तो आप चाहे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, ब्लू भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर से देखिए, ये यहां आया, ये वाला अभी तक ये रेड है हमारा, और ये वाला क्या है, वायलेट है या ब्लू मान के चलिए, चलिए हम ब्लू ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ब्लू ही मान लेते हैं। यहां से फिर ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा दो बार। सेकेंडरी का मतलब क्या होगा? दो बार। और प्राइमरी का मतलब एक बार। एक बार तो यहां पे किया, ये क्या करेगा, और एक बार करेगा। कितना बार? और एक बार। चलिए और एक बार किया, तो ये वाला यहां आया और ये वाला यहां आएगा, आएगा या नहीं आएगा? अब ये फिर से इस डेंसर मीडियम से किस में आएगा? रेयर मीडियम में आएगा। तब इसका पाथ और क्या होगा? बेंड होगा। होगा या नहीं होगा? तो इसका पाथ तो थोड़ा सा ज्यादा बेंड होगा, लेकिन रेड का थोड़ा सा क्या होगा, कम बेंड। यहाँ पे क्या होगी, दोनों कट जाएगी। कटेगा या नहीं कटेगा? ये दोनों को आप क्या करेंगे, बैक प्रेस कीजिए इस तरह से, देख रहे हैं आप इस तरह से, तो इधर आपको क्या दिखाई देगा, रेनबो दिखाई देगा या नहीं देगा? तो ये वाला यहाँ पे आप इसको इस तरह से फिर से क्या करेंगे, एक एंगल ट्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आपको एंगल क्या मिलने वाला है बताइए। ये वाला ये एंगल कितना होगा, 50, जबकि दूसरा एंगल कितना होगा, 53 डिग्री का होगा। मतलब रेड क्या होगा, 50 होगा, जबकि ब्लू आपका क्या होगा, 53 डिग्री का। तब आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी रेनबो मिलेगा। इधर से आप देखेंगे, इधर से देखेंगे, और ये किसके कारण पॉसिबल हो पाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। अभी ऊपर वाला क्या है, ब्लू, और नीचे वाला क्या है, रेड। अब इसमें भी ब्लू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी क्या कर दीजिए, ब्लू, इसको भी आप क्या कर दीजिए, ब्लू कर दीजिए, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे तो हम लोग मतलब क्या बोलेंगे, आर और भी के बीच में लिए थे, क्योंकि स्पेक्ट्रम हमको इसी के अनुसार क्या मिलता है, कलर मिलता है, इसलिए। क्लियर हुई बात? लेकिन ब्लू से बाकी कलर हमको दिखाई ही नहीं देता है। समझ में आ गया? सभी रेनबो देखा है? ब्लू के बाद में हमको अदर कलर्स नहीं विजिबल हो पाता है, क्योंकि उसका डेविएशन एंगल बहुत ज्यादा हो जाता है। समझ में आया? सर, ये रेनबो तो हमेशा बनता हो, आपको हम क्या समझा रहे हैं कि कहीं ना कहीं के लिए तो हमेशा बनता होगा, जहां पे इस एंगल को फॉलो किया, क्योंकि ये एंगल हमारा क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। अगर हम हमारे आंख में रेनबो बन रहा है, तो वहां से आने वाली किरणें इतना एंगल बना रहा है, कहीं ना कहीं से बनेगा, बनेगा ही बनेगा, क्योंकि उस एंगल पे लाइट फॉल किया, मतलब रेनबो बना। क्लियर हुआ? लेकिन हम लोग नहीं देख पाते, उसका मतलब ये एंगल पे लाइट हमारा नहीं फॉल हुआ है। समझ में आया बात? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, चित्राना जिसको कहेंगे हम लोग,
झारखंड वासी समझते हैं छितराने के मतलब। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, समझिएगा इसको, ठीक है। चलिए, इस डायरेक्शन से हमारा क्या आ रहा हो, लाइट आ रहा हो। अगर जितनी अमाउंट में लाइट आ रहा हो उससे बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में अगर कोई इसका आगे ऑब्स्ट्रक्ट आ जाए तो वो क्या करेगा, जिस डायरेक्शन से आया है उसी डायरेक्शन पे रिटर्न हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? होगा। आप दौड़ लगा रहे हैं रास्ता पे, क्लियर हो गया, आप दौड़ लगा रहे हैं रास्ता पे, आप उस रास्ता पे बहुत बड़बड़ा सा पहाड़ आ गया, समझ पा रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, वहीं से रिटर्न, वहीं से क्या हो जाइएगा, रिटर्न हो जाइएगा। होइएगा या नहीं? एकदम होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, आप आगे जा ही नहीं सकते हैं, क्लियर हो गया। चलिए दूसरा कंडीशन समझिएगा कि फिर से इधर से क्या आ रहा है, हमारा सनलाइट आ रहा है, क्लियर। अगर इसके सामने कोई छोटा ऑब्स्ट्रक्शन आए, मतलब एकदम छोटा, जैसे आप दौड़ रहे हैं इतना बड़ा पत्थर आएगा आपके सामने, क्लियर हो गया, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं और इधर पार कर सकते हैं, क्लियर। लेकिन जितना मात्रा में लाइट आपका फॉल हो रहा है उसी के अमाउंट में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे पड़ जाए तब ये लाइट ना उसको जंप करेगी ना रिटर्न करेगी, ये डायरेक्टली इससे क्या हो जाएगी, टकरा जाएगी और टकराने से छित्रछान, मतलब स्कैटर हो जाएगी, प्रकीर्णन हो जाएगा, चारों दिशा में फैल जाएगा। क्या बात समझ में आया? क्या यहां से प्रकाश की किरणें डिफाइनाइट डायरेक्शन पे क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी, क्लियर। इसी को क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहा जाता है। फिगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, डेफिनेशन को पढ़ेंगे हम लोग, समझ भाई ना, ये क्या है, किसमें घटती है, लाइट में भी घटती है, लाइट हमारा सात रंगों का मिश्रण है, है या नहीं है? तो सबसे ज्यादा, बाकी चार रंग तो हमको दिखाई नहीं देता है लेकिन ब्लू तक तो दिखाई देता है, तो सबसे कमजोर यहाँ पे कौन है, ब्लू, तो सबसे ज्यादा स्कैटर कौन होगा, ब्लू होगा, होगा कि नहीं होगा, इसीलिए आसमान हमको क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, क्योंकि रेड हमारा क्या है, पहलवान है या नहीं, हमने जाना है सबसे, सबसे डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, कम होगा, मतलब मजबूत है, आसमान से ऊपर चल जाएंगे और पृथ्वी को देखेंगे तो आपको डार्क दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, हमको यहाँ से दिखाई देता है केवल ब्लू, और कारण पता चला, केवल स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। व्हेन लाइट, व्हेन लाइट स्ट्राइक एंड ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब समझ में आया होगा, अवरोध जिसको बोल सकते हैं, पहाड़, ऑब्स्ट्रक्शन गतिरोधक, हाँ गतिरोधक, समझ में आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द साइज ऑफ ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, ऑफ लाइट, then it scatter in definite direction, समझ में आ गया, क्योंकि वेवलेंथ उसका क्या होता है, छोटा बड़ा होता है, अगर छोटा है तो वो बड़ा को जंप थोड़े कर पाएगा, कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, तो क्या करेगा, वो टकराएगा, टकराएगा, टकराने से क्या होगा, स्कैटर हो जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा, समझ में आ गया, इसको कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ब्लू कलर का जो स्कैटर है वो मस्ट है, क्या है,
ब्लू कलर टकराएगा ही टकराएगा, क्यों? क्योंकि इसका वेवलेंथ कम होता है, समझ में आ गया? तो ब्लू कलर का जो स्कैटरिंग है वो क्या होता है? मस्ट होता है। आप लिख लेंगे यहाँ पे, ब्लू कलर का स्कैटर क्या होता है? मस्ट होता है। ब्लू कलर स्कैटर, इस तरह से लिखते हैं, ये क्या होता है? मस्ट होता है, एकदम होना ही होना है इसको। जो ब्लू रंग का है वो हमारा क्या होगा? स्कैटर होगा ही होगा, क्योंकि इसका वेवलेंथ छोटा होने के कारण इसमें ऑब्स्ट्रक्शन, छोटा साबित ऑब्स्ट्रक्शन को ये जंप नहीं कर पाता है, उससे क्या हो जाती है? स्ट्राइक हो जाता है। क्लियर हो गया? और यहाँ पे जो रेड कलर होता है, समझ में आ गया? कौन रेड कलर? ये स्कैटर क्या करता है? वेरी लेस, बहुत कम मात्रा में ये क्या होता है? स्कैटर होता है। एक यहाँ पे इसको रियलाइज किया रेलिग ने। किसने? रेलिग। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम क्या था? रेलिग ने, समझ में आ गया? और इसको इन्होंने रियलाइज किया क्या कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मान के चलिए, या इंटेंसिटी, स्कैटरिंग ऑफ इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी फोर टाइम ऑफ दी वेवलेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी फोर टाइम ऑफ देयर वेवलेंथ। इसने डिफाइन किया किसको? स्कैटरिंग को। कौन साइंटिस्ट थे? रेलिग। यहां पे लिख लीजिए, यहां पे लिख देते हैं, आर ई वाई एल ई आई जी एच, रेलिग। एस भी जोड़ दीजिएगा क्योंकि मतलब साइंटिस्ट है ना। रेलिग्स फॉर्मूला, फॉर्मूला ये किसको पता लगाया? इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर लाइट को, जो प्रकीर्णन होती है लाइट, जो छितराता है, उसका इंटेंसिटी को क्या किया? ढूंढ के निकाला। समझ में आ गया? स्कैटरिंग का मतलब समझ में आया ना? तो उसका इंटेंसिटी कितना होता है? इंटेंसिटी का मतलब समझ में आता होगा, तीव्रता, स्पीड, टकराने के बाद में उस लाइट का तीव्रता क्या होता है, उसको इन्होंने क्या किया? थ्योरी बनाया। किसके आधार पे? किसके आधार पे? इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर लाइट, लाइट। और ये क्या थ्योरी बना दिया? आई फॉर इंटेंसिटी, एस फॉर स्कैटरिंग, आई एस, आई फॉर इंटेंसिटी, एस फॉर स्कैटरिंग, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा, कितना टाइम? फोर टाइम ऑफ देयर वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा का पावर फोर। याद रखिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। रेलिग फॉर्मूला। चलिए यहां पे हम लोग का थोड़ा सा बेसिक जानकारी यहां पे खत्म होती है और हम लोग चलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की ओर। किधर? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हम लोग करते हैं और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का पहला टॉपिक लगाते हैं जिसका नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। आपने देखे होंगे जब आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदते होंगे ना, तो एक वहां पे लेंस मिलता है, मिलता है मैग्निफाइंग ग्लास जिसको कहते हैं हम लोग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप कहा जाता है, सिंपल माइक्रोस्कोप कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलो अब यहां पे समझ लीजिए कि ये माइक्रोस्कोप किस लिए प्रयोग करते हैं हम लोग, किस लिए प्रयोग करते हैं? छोटा ऑब्जेक्ट को बड़ा देखने के लिए, समझ में आ गया? इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? जो आपका छोटा ऑब्जेक्ट है उसको ये क्या कर देता है? मैग्निफाइड कर देता है, बड़ा कर देता है, यही तो इसका यूजेस है, या नहीं है? और इसमें आपका प्रतिबिंब कैसी बनती है ये भी बताइए हमको, कैसे बनता है? वर्चुअल बनता है, डायरेक्ट बनता है और
मैग्निफाइड बनता है, क्या क्या बनता है, वर्चुअल इफेक्ट ऑफ मैग्निफाइड। इसमें किसका कौन सा लेंस का यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। आप एक लाइन लिखेंगे, यहाँ पे लिखिएगा, ए सिंपल माइक्रोस्कोप, ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज ए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड ऑफ ए, यूज्ड ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस फॉर्म ए वर्चुअल इरेक्ट एंड एंड मैग्निफाइड इमेज, इमेज आपको पूछेगा इसका मैग्निफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता को पूछा जाता है, किसको पूछा जाता है, मैग्निफाइंग पावर आवर्धन क्षमता, कि ये उस ऑब्जेक्ट को कितना मैग्निफाइड कर पाएगा, कितना बड़ा दिखा पाएगा। आपने गौर किया होगा जैसे जैसे आपने ऑब्जेक्ट से दूरी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो वो ऑब्जेक्ट आपका बड़ा तो दिखेगा लेकिन साथ में ब्लर दिखाई देने लगेगा। Yes, sir. दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, तो वहां पे जहां से आपको क्लियर दिखाई दिया वहीं तक उसका क्या होता है, मैग्निफाइंग पावर है। अब जब उसको बढ़ाते हैं तो उसका मैग्निफाइंग पावर क्या होता है, लिमिट हो जाता है, घटने लगते हैं, इसलिए आपको क्या दिखाई देता है, ब्लर दिखाई देता है। समझ में आ गया। और ये किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारा एंगल सबटेंडेड ऑफ इमेज और एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट के बीच में। समझ में आ गया। यानी कि इमेज से निकलने वाली एंगल और ऑब्जेक्ट पे निकलने वाली एंगल कितना सबटेंड करेगा, ये दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, मैग्निफाइंग पावर कहलाएगा। क्या मेरा बात समझ में आया? नहीं, नहीं समझ पाई, जब अभी हम फिगर बनाएंगे तो वो क्लियर दिखाई देगा। समझ में आ गया। लेकिन पहले हम इसका डेफिनेट कर लेते हैं, किसका, मैग्निफाइंग पावर को, आवर्धन क्षमता। अब यहाँ पे टॉपिक लगाएंगे मैग्निफाइंग पावर, मैग्निफिकेशन पावर भी लिख सकते हैं, मैग्निफाइंग पावर भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी है। मैग्निफिकेशन भी लिख देते हैं, चलिए मैग्निफिकेशन पावर, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से, मैग्निफिकेशन पावर स्मॉल एम। चलिए लिख लेते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द एंगल, एंगल सबटेंडेड बाई द इमेज, सबटेंडेड बाई द इमेज एट द आई यानी कि आंख, टू द एंगल सबटेंडेड बाई, एंगल सबटेंडेड बाई द ऑब्जेक्ट एट द आई, एट द आई, एट एट लिस्ट, एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन, क्या लिख पाए आप? और इसका वैल्यू होता है 25 सेंटीमीटर, क्या होता है 25 सेंटीमीटर ह्यूमन आई का मिनिमम फोकस, क्या होता है 25। अगर 25 से अगर दूरी का घटा देते हैं तो आप लिखा हुआ को नहीं पढ़ पाएंगे, आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, आपके सामने रखेंगे तो जो लिखा हुआ है आपका बुक में उसको आप नहीं देख पाएंगे, कम से कम उसको स्पष्ट क्लियर देखने के लिए कितना दूरी चाहिए, 25 सेंटीमीटर चाहिए। जैसे आप नजदीक लाएंगे तो आप उसको क्लियर नहीं देख पाएंगे। समझ पाई? देख लो आप, तब तो तुम सुपर माइंड बन गया। नहीं सर, इसको दूरदर्शन से कम में दिखता है, वो तो दोष है ना, दोष हो गया।
गया है, हुआ होगा, दिख रहा है मतलब हुआ होगा। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग किसका यूजेस करते हैं बताइए, कॉन्वेक्स लेंस का, ये कॉन्वेक्स लेंस है, समझ में आया क्या? ये क्या है हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में, कॉन्वेक्स लेंस का। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हो गया? ये पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, फोकस। ये पॉइंट क्या है, फोकस। इस केस में जो ऑब्जेक्ट हमारा होता है वो फोकस से आगे होता है, क्या कहां पे होता है, फोकस से आगे, मतलब यहां पे हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब ये ऑब्जेक्ट का जो रे होगा, ये रे कहां निकलेगी, एक रे यहां पे जाके पड़ेगी और दूसरा इसका जो सेंटर है वहां से क्या होगी, आगे की ओर बढ़ेगी। क्लियर? अब यहां से ये फिर क्या करेगा, इस तरह से आगे की ओर बढ़ेगा, ये दोनों कभी भी एक दूसरे को नहीं मिला पाएंगे। क्लियर हो गया? और आपका जो आंख होता है वो कहां पे होगा, यहां पे होगा, यहां पे आपका क्या होगा, आंख होगा। अब इधर से देखेंगे, अब इधर से देखेंगे तो आपको इमेज कहां पे बनेगा, चलिए देखते हैं। इसको बैक ट्रेस कर दीजिए, इधर बैक ट्रेस करें, बैक ट्रेस कीजिए इसको पीछे की ओर, इसको भी आप बैक ट्रेस कीजिए इधर। ये माइक्रोस्कोप को मिटा देते हैं, ठीक है ना, यहां पे लिख देते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, इसको चलिए इसको बैक ट्रेस कीजिए इधर आगे। ये दिखाई दिया आपको, ये इसका क्या बन गया, इमेज बन गया, है ना। इस ऑब्जेक्ट का नाम हम क्या दे देते हैं, ए, यहाँ पे क्या नाम दे देते हैं, डी, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैस, और ये क्या हो जाएगा, डी डैस। अब बताते हैं आपको कौन हमारा मैग्नीफाइंग पावर को बताता है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये इसका टॉप पॉइंट, ठीक उसका पैरेलल पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ये पॉइंट को आप क्या मान लीजिए, पी मान लीजिए। यहां से एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कीजिए जो किसको काटेगा, इस लेंस का सेंटर को काटेगा, इस तरह से। आंख में ही तो गया, गया या नहीं गया, तो यहां पे आपको दो एंगल मिलेगा। अब दो एंगल कौन कौन सा एंगल है उसको भी ध्यान से देखिएगा। ये पूरा एंगल आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल को हम बीटा मानेंगे, क्या मानेंगे, बीटा। ये पूरा एंगल क्या है, बीटा यहां से यहां, लेकिन ये एंगल क्या है हमारा, अल्फा। उसी तरह से यहां से ये पूरा एंगल क्या है, बीटा, लेकिन ये एंगल क्या है, अल्फा। और जो हमारा मैग्नीफाइंग पावर है ये इसी एंगल पे क्या करता है, दोनों का रेशियो होता है, समझ में आ गया। अब देखिए अगर ये एंगल छोटा हुआ, किधर, इस तरह से छोटा हुआ, तो इमेज का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। देखो ये इधर दबेगा ना, तो ये वाला पोर्शन इधर नीचे आएगा, आएगा या नहीं आएगा, तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। अगर ये एंगल बड़ा हुआ तो ये ऊपर और जाएगा, तो ये और बड़ा बनेगा। अब तो आप समझ में आ गया मैग्नीफाइंग पावर, ये किस पर डिपेंड, किसका, किसको कहते हैं, किसको कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर। यहां पे हमने, आपने लिखा होगा रेशियो एंगल सबटेंडेड बाय द एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट और इमेज, समझ में आया। ये दोनों का रेशियो क्या कहलाता है हमारा, मैग्नीफाइंग पावर कहलाता है।
अभी वो हम लाएंगे, पहले तो आप फिगर ड्रॉ कीजिए। चलिए रे है तो आप रे को भी दिखा देंगे, ये हमारा रे है, फर्स्ट रे मान के चलिए कि हमारा सेकंड रे है, ये सेकंड रे। चलिए इस तरह से दिखा दिया। और एक चीज, ये जहां पे ये काटा ना, ये इधर के लिए क्या कहलाएगा, फोकस, है ना। मतलब यहां फोकस और ये फोकस दोनों का दूरी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बना ये वाला को आप सी मान सकते हैं या पी मान सकते हैं, चलिए सी ही मान लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, एफ से लेकर सी का दूरी को आप क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ए भी क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहां से ए से लेकर किसका दूरी, सी का दूरी को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट है यू। ये हमारा क्या है, इमेज। इसका दूरी को आप क्या कहेंगे, भी कहेंगे। चलिए, और ये जो भी है, मतलब जो इमेज बनता है वो कहां पे बनता है, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। यही तो लिखे हम लोग, बनता है कि नहीं बनता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, भी इक्वल टू डी, डी का मतलब डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर, ये कितना होना चाहिए ह्यूमन आई के लिए, 25 सेंटीमीटर फिक्स है ये। समझ में आया, बन गया सबका फिगर। चलिए देयरफॉर मैग्निफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन पावर रिप्रेजेंट किससे किए थे, स्मॉल m इक्वल टू किसका किसका रेशियो, इमेज और ऑब्जेक्ट। मतलब क्या समझे, बीटा बाय अल्फा। ध्यान दो इधर, ये आपको अल्फा दिखाई देता है, ये किसका है, इमेज का, ऑब्जेक्ट का है। ए डैश पी, ए डैश पी इक्वल टू ए बी। ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट एंगल कौन हुआ, अल्फा। और ए डैश बी डैश में क्या बना, बीटा। ये किसके लिए, इमेज के लिए। तो ये दोनों का रेशियो आप तो समझ में आ गया होगा। यहाँ ए बी किसके बराबर है, ए डैश बी डैश, पी डैश बी पी के बराबर। तो ये P से बना हुआ एंगल क्या है आपका, अल्फा, और यहाँ बना हुआ बीटा। तो अल्फा एंगल किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, और बीटा एंगल इमेज के लिए। ये दोनों का रेशियो उसका मैग्निफाइंग पावर कहलाता है, मैग्निफिकेशन पावर कहलाता है। इसीलिए तो लिखे यहाँ पे मैग्निफिकेशन पावर m इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। क्लियर हो गया, इसको आप दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सिंस अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल, समझ में आ गया, यहां पे अल्फा और बीटा क्या है, स्मॉल है, तब सो यूजिंग रिलेशन, यहां पे हम एक रिलेशन यूज करेंगे, आपको पता है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, आप मैथ में पढ़ चुके होंगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, नहीं पढ़े, ये तो है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, नहीं पढ़े, क्लियर हो गया। आप ध्यान से देखिएगा इधर, कैसे नहीं पढ़ा है, हम टेंथ का बात नहीं कर रहे हैं, हम मैथ की बात कर रहे हैं। एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस, नहीं समझ पाए। चलिए ध्यान से देखिएगा इधर, अब यहाँ पे ये तो हमारा रिलेशन निकला, आप ध्यान से देखिएगा क्या ये थीटा की जगह पे आप बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि बीटा भी हमारा क्या है, एंगल है या नहीं है। अगर आपने बीटा लिखा
तो बीटा के अकॉर्डिंग्स में एल बाई आर क्या होगा? बीटा ए डैश बी डैश बाई जल्दी सी ए डैश क्या होगा? सी ए डैश सही है, सी ए डैश सी ए डैश। एंड इसी क्या कहते हैं, यहां से देखो अल्फा इक्वल टू ये अल्फा एंगल आपका बोलिए अल्फा एंगल ए डैश पी बाई सी ए डैश क्या बात समझ में आया? समझ पा रहे हैं? अब यहां पे देखिए बट ए डैश पी इक्वल टू ए बी है ए डैश पी किसके बराबर में है? ए बी के बराबर है। उसका मतलब है कि ए डैश पी की जगह में आप ए बी लिख सकते हैं। तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा? ए बी बाई सी ए डैश। क्लियर? आगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहला इक्वेशन ये दिखाई देता है आप लोगों को है क्या लिखा हुआ है? m इक्वल टू बीटा, आपका कहां पे बीटा है? ये देखो है क्या है a डैश b डैश बाई c a डैश है y क्या है अल्फा अल्फा ए बी बाई सी ए डैश। क्या ये कैंसिल होगा? होगा या नहीं होगा? तो आपको फाइनली क्या मिलेगा? ए डैश बी डैश बाई ए बी यही तो मिलेगा। बता रहे हैं यहां पे दे आंसर देखो m इक्वल टू आपको क्या मिला? ए डैश बी डैश बाई ए बी है या नहीं है? तो क्या आप इस इक्वेशन को m इक्वल टू ए डैश बी डैश क्या है? ए डैश बी डैश साइज ऑफ इमेज है या नहीं है? ए डैश बी डैश क्या है? साइज ऑफ इमेज बाई ए बी, ए बी क्या है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? बट कन्वेक्स लेंस यहां पे, लेकिन कन्वेक्स लेंस में बट कन्वेक्स लेंस बट इन कॉन्वेक्स लिख लेते हैं, बट इन कॉन्वेक्स लेंस m इक्वल टू साइज ऑफ इमेज को हम क्या लिख देते हैं? i है by size of object को क्या लिख देते हैं? O। क्या बात समझ में आया? अब ध्यान से फिर से देखें, लेकिन convex lens में image को हम लोग क्या कहते हैं? D। नहीं है? ध्यान से देखिए तो यही तो है image, क्या है हमारा? D। और object को आप लोग क्या कहते हैं? U। क्या नहीं समझ में आया? समझ पा रही है? समझ पा रहा है ना? सिंस आगे चलिए, सिंस ध्यान से देखिएगा, इस डायरेक्शन से हमारा लाइट फॉल हुआ है और हम इधर से इधर मेजर कर रहे हैं, मतलब सब किस में आने वाला है? माइनस में आने वाला है, है या नहीं? तो क्या होगा? सिंस भी इक्वल टू माइनस डी, U इक्वल टू माइनस यू, यही तो मिलेगा हमको? नहीं मिलेगा? तब M इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? बोलिए माइनस D बाई माइनस यू, माइनस से माइनस कटेगा,
तो क्या मिलेगा आपको, d बाई यू मिलने वाला है। m इक्वल टू क्या मिला, d बाई यू। क्लियर? इसको इक्वेशन कितना दें, सेकंड। चलिए इक्वेशन सेकंड, ये भाग को थोड़ा मिटा रहे हैं, ठीक है ना। फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, यहां पे लेंस लगा हुआ है ना, तो हम क्या उठाएंगे, लेंस फॉर्मूला। बताइए लेंस फॉर्मूला, 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f होता है। yes, हाँ होता है। और ध्यान से देखिए, इधर 1 by क्या लिखा हुआ है, बोलिए, माइनस डी। फिर क्या है, माइनस यू, क्या है, माइनस यू, यानी कि प्लस 1 by u इक्वल टू 1 by f मिलेगा। डिस्टिंग विजन लिखे हैं हम लास्ट में, एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन देख सकते हैं। नहीं समझ में आता है तो जहां पे डेफिनेशन लिखे वहां पे कैपिटल डी लिख लीजिए, एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन कैपिटल डी। अब डेफिनेशन लिखे है ना जहां पे मैग्निफिकेशन पावर का, उसका लास्ट में देखिए वही डी है। समझ में आया? तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो प्लस में उसको पहले लिख देते हैं, जो माइनस में उसको बाद में लिख देते हैं। प्लस में है क्या हमारा, 1 by u minus 1 by d equal to 1 by f। क्या समझ पाई ये फॉर्म को, आया समझ में? जो प्लस था उसको हम पहले लिखे, फिर क्या है हमारे पास में, माइनस, उसको हम यहाँ पे लिखे। क्लियर? अगर आप यहां से 1 by u को बाहर कर दें तो क्या होगा, 1 by u equal to 1 by f minus f उधर जाएगा plus 1 by d, 1 by d। क्लियर? चलिए मल्टीप्लाइंग both sides by d, दोनों ओर हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, d से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? अगर d से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, d by u, यानी कि 1 into d क्या मिलेगा, d मिलेगा, इक्वल टू d by f प्लस डी बाई डी मिलेगा। तो ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या मिला आपको, ध्यान से देखिए, डी बाई यू इक्वल टू, इसको हम पहले लिखते हैं कि दोनों प्लस क्या है, प्लस में है, क्या हम इसको पहले लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस डी बाई एफ। क्लियर? चलिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड से ध्यान से देखिए, इक्वेशन सेकेंड d by u equal to m, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड d by u equal to m, आपको दिखाई देता है d by u है, d by u equal to m है, तो d by u की जगह हम क्या लिख सकते हैं, m equal to 1 plus d by m, ये इसका मैग्निफिकेशन पावर है। आया समझ में? Yes, ये था हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप।